सभी को नमस्ते मेरा नाम है विकास और इंडिया न्यूज़ वायरल में आपका स्वागत है आ, कल बड़े कमाल की बात हुई वैसे तो मैं आईपीएल का कोई मैच छोड़ता नहीं हूँ खासकर से वो चेन्नई सुपर किंग्स का हो लेकिन कल क्योंकि ऑफिस में मैं थोड़ा लेट हो गया तो शुरू के 10-12 ओवर मुझसे छूट गए तभी मुझे एक टेक्स्ट आया जिसमें लिखा था धोनी मार रहा है यानी अपना माही मार रहा है और मैं फटाफट घर पहुँचा और जैसे ही मैंने अपना टी खोला धोनी वाकई मार रहा था और क्या खूब मार रहा था बहुत दिन बाद धोनी फॉर्म में दिख रहे हैं लगातार अच्छा खेल रहे हैं और ये उनकी तीसरी फिफ्टी है इस आई में और ख़ास बात यह है कि इस आई में धोनी के रिफ्लेक्सेस वैसे ही दिख रहे हैं जो आज से 10 साल पहले दिखते थे तो सब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या हो गया धोनी को ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन धोनी में आ गया है कि धोनी इतने फिट दिख रहे हैं धोनी ने ऐसा क्या खा लिया है कि वो छक्के पे छक्के मार रहे हैं तो आज ये राज हम खोलते हैं और आपको बताते हैं धोनी ने आखिर ऐसा क्या खा लिया है तो धोनी की इस फिटनेस के दो कारण हो सकते हैं एक कारण ये हो सकता है कि जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो उनको जवाब दे रहे हैं या फिर ये रीज़न हो सकता है कि धोनी ने ये बात अपने आप पे ली और अपने आप को जवाब दे रहे हैं कि अभी उनके अंदर काफ़ी क्रिकेट बची हुई है धोनी ने इतनी मेहनत आखिर करी क्यों क्या आई सीजन के लिए तो इसका जवाब है सिर्फ आई के लिए नहीं दो वर्ल्ड कप के लिए भी इस बात में कोई दो राय नहीं कि धोनी एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर है एक इंटेलिजेंट कैप्टन है और धोनी इस बात को जानते हैं कि उनका कंपटीशन अब उन यंग गन्स के साथ है जिनकी उम्र अभी 18 से 20-22 साल है और अगर उनको कॉम्पीट करना है तो धोनी को अपनी फिटनेस का लेवल भी लगभग उनके आसपास लाना ही होगा पिछले एक साल से धोनी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी फिटनेस पर और उनका जो डाइट प्लान है उनका जो फिटनेस रिजीम है वो वही है जो कि एक 18-19 साल के यंग क्रिकेटर का होता है और इसीलिए धोनी ने एक स्पेशल डाइट प्लान बनाया जो कि पिछले छः सात महीने से धोनी जिसे फॉलो कर रहे थे और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटेंस वर्कआउट रिजीम है जो धोनी लगातार फॉलो कर रहे हैं और जो लोग क्रिकेट देखते हैं आईपीएल देखते हैं उन्होंने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि धोनी जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उन्हें बैक में काफ़ी परेशानी हो रही है और इस परेशानी की वजह भी यही है कि जो धोनी ने पिछले तीन महीने में एक इंटेंस वर्कआउट रिजीम फॉलो किया है उसकी वजह से उनकी बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अगर उम्र की बात करें तो धोनी अपने मिड थर्टीज़ में हैं और मिड थर्टीज़ में कोई और भी खिलाड़ी हैं जैसे कि सुरेश रैना युवराज सिंह गौतम गंभीर लेकिन धोनी और इन बाकी खिलाड़ियों में फ़र्क ये है कि धोनी ने अपनी जगह को अपनी टीम में जो उनकी जगह है उसको ग्रांटेड नहीं लिया है और इसीलिए उन्होंने अपनी फिटनेस को उस लेवल पे ले गए हैं कि उनके गेम में उनकी फिटनेस दिख रही है यानी कि उनकी फ़िटनेस उनके गेम में हेल्प कर रही है और वो लगातार स्कोर कर रहे हैं जबकि गौतम गंभीर की बात करें युवराज सिंह की बात करें सुरेश रैना ने पिछले मैच में ज़रूर रन मारे हैं लेकिन इन तीनों की फिटनेस और जो फॉर्म है वो कहीं भी धोनी से मैच नहीं कर रही है ये बात पक्की है कि धोनी अपनी जगह को टीम में जो उनकी जगह है उसको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं और इसीलिए अपनी फिटनेस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं तो कुल मिलाकर धोनी ने जो भी खाया है जो वो ग्राउंड पे निकाल रहे हैं वो पिछले छः महीनों का गुस्सा है जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे और यही रीज़न है कि धोनी उन सबको आंसर दे रहे हैं चाहे वो नए खिलाड़ी हों चाहे क्रिटिक्स हों और हम लोग जो धोनी के फ़ैन हैं वो तो यही विश करेंगे कि धोनी इसी तरह अपनी फॉर्म में अच्छा प्रदर्शन करते रहें और आने वाले वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी इसी तरह सामने रखते रहें अगर आपको लगता है कि धोनी कई इस बैटिंग का कोई और राज है तो नीचे कमेंट्स में बताइए हमें और युवराज गौतम गंभीर और रैना के लिए आपकी क्या टिप्स हैं वो भी कमेंट्स हमें ज़रूर बताइए या अगर आप उन्हें 2019 में देखना चाहते हैं इन तीनों में से किसी भी खिलाड़ी को तो वो भी हमें बताइए और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ वायरल